अभिलाषा। अभिलाषा, अभिलाषा कहाँ रहती हो? दीदी सर यहीं पे रहते हैं। कौन सा गांव है? गणेशपुर। गणेशपुर। एक झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें झाड़ू लगाई जा रही है। झाड़ू कौन तुम लगा रही हो? सर मैं लगाती हूँ। क्यों लगाती हो झाड़ू यहाँ? इसलिए मैं गरीब हूँ। तो यहाँ झाड़ू लगाने का कोई पैसा वगैरह मिलता है? हाँ सर मिलते हैं। कितने पैसे मिलते? 800 रुपए। कौन देता है? आंटी। आंटी देती है। और कोई स्टाफ नहीं है झाड़ू लगाने वाला? सर तुम लगाती हो झाड़ू? क्या विद्यालय में आप पढ़ती भी हो? पहले पढ़ते सर, अब नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते? पहले पढ़ते थे। पहले कौन सी क्लास में थे? 8वीं थे। 8वीं थे। अब नहीं पढ़ते? 8 पास हो गए, अब नहीं पढ़ते। अब कहाँ पढ़ रही हो? अब कहीं नहीं सर, पढ़ गए। पढ़ाई छोड़ दी? स्कूल में झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है? सुनीता। कौन से विद्यालय में तैनात हैं आप? गणेशपुर। गणेशपुर में। क्या आप किस पद पे हैं? प्रचार। प्रचार है। घर वाइट हुआ है। प्रचार है। क्या प्रचार है? क्या काम है आपका यहाँ? स्कूल खोलना है, अपनी देख रेख करना है। अच्छा, यहाँ की साफ सफाई करने का काम किसका है? ड्यूटी तो होती है ना, लेकिन हम सब परेशान है। नहीं, साफ सफाई का कार्य किसका है? आप ही है ना जिम्मेदारी इसकी? झाड़ू लगाना, स्कूल साफ सफाई रखना किसकी किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना। अच्छा, मासूम बच्चों से कौन झाड़ू लगवाता है? स्कूल बच्चे नहीं लगाते। बच्चे नहीं है लेकिन एक है तो मासूम ही। अच्छा, आपकी छात्रा है? ना है सर, वो कॉपी नहीं करनी पड़ते। अरे निकल गई लेकिन है तो बच्ची। अच्छा, आपकी छात्रा है, उसको वो झाड़ू लगा रही है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, आप क्या करती है? नहीं, कक्षा 8 में बिटिया पढ़ती तब नहीं लगाती थी। अभी आपको लग रही है? हाँ, तो उनकी पहले उसकी बहन लगाती थी। तो ये काम किसका? काम तो आपका है ना। मैं शरीर से दिक्कत है, ला चलो ऐसे मुट्ठी बांध के नसन प्रॉब्लम है। कितना पैसा मिलता है आपको इस काम का? तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? तनख्वाह कितनी आपकी? 35,000। 35,000 रुपए आपकी तनख्वाह है? और अपना दे के माफ कर झाड़ू लगा। आप अपना ना काम कर करके बच्चों से काम करा रहे हो, बताइए। मासूम बच्चे हम करते थे खुद, हम परेशान है, हम शरीर से नसन प्रॉब्लम है। नौकरी छोड़ दो ना, इस्तीफा दे दो आप। लेकिन तो आप किसी मेरी भी परेशानी है। नहीं ठीक है, आपकी परेशानी बच्चे मेरे भी पड़ गए या पति खत्म हो लेकिन आपकी जगह पे। लेकिन आप बच्चों से ना काम करा रहे ना, कोई दूसरा आदत रख लेते तो वो उसकी खर्चे पानी की दिक्कत थी। पिताजी अंधे है, माँ विकलांग है। हाँ मेरे पिताजी अंधे है, तो आप बताए तो हटा दें उसे। तुम सोचो ना, मासूम बच्ची तनख्वाह मिल रही है, कही थी उसे आपको काम करने का पैसा मिलना है, आप स्वयं काम नहीं कर रही और दूसरे से करते थे स्वयं। हम खुद परेशान है सर, इतना चलो मेरे हम मुट्ठी बांध के काम नहीं कर पाते सर, घर पे। एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें आप मासूम बच्ची से छात्रा से झाड़ू लगवा रही है, किसकी जिम्मेदारी है? हमने कभी नहीं लगवाई। किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, छात्रा से हमने कभी जिम्मेदारी किसकी झाड़ू लगाने की किसकी है? आपकी है ना? अपने मुंह से बताइए ना, किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी बताइए? झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी किसकी है स्कूल में? शशि प्रभा, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, UPS गणेशपुर। गणेशपुर। एक बच्ची का वीडियो झाड़ू लगाते हुए वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? अब ये झाड़ू लगवाती इनसे होता नहीं है, तो हमने इनसे मना भी किया था, हमने कि अब खुद लगाया करो, तो ये बोली कि हमसे होता नहीं है, तो हम ये पैसे दे के लगवाते हैं। कौन लगवाती है? कौन है? 4th क्लास है। क्या नाम है? सुनीता कुमारी। आपने नहीं और अभी हमने कई बार मना किया इनको कि मत लगवाया करो, क्योंकि ऑब्जेक्शन होता है तो अच्छा नहीं लगता है, अपने स्कूल की इमेज खराब होती है। आप भी एक जिम्मेदार? हम हाँ जिम्मेदार पद पे हैं। जिम्मेदारी आपकी भी? बिल्कुल बिल्कुल। हमने बच्ची जब झाड़ू लगा रही थी तो आपको भी इस तरीके हाँ, इसी विद्यालय में पढ़ी है बच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ी। आपका दायित्व? मैंने मना किया, कई बार मना किया मत लगवा। हाँ कराया बिल्कुल। मासूम से झाड़ू लगवा रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने मना किया इनको मत लगवाया करो। अरे नहीं मानती, हमने जब अधिकारी आते तो बताते हैं उनको कि भाई ऐसी मामला ये मामला है, मना कर इनसे कई बार मना किया मैंने कि मत लगा, ले हमारी कोई नहीं मानता। तो लिखापढ़ी करी आपने कुछ? हाँ, आपके माध्यम से लिखापढ़ी की जा रही कि नहीं? कई बार SDI सर को बताया गया। मैडम, एक बच्चे से स्कूल में झाड़ू लगवाते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है, 4th क्लास कर्मचारी मासूम बच्चे को झाड़ू लगवा रही है। अभी आप लोगों ने ये जानकारी दी मुझे और मैं अभी वीडियो देख करके इसकी तुरंत मैं जांच करवाती हूँ, जो भी इसमें दोषी है सिर्फ प्रॉपर कार्रवाई करवाऊंगी मैं। ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। और इसमें 4th क्लास कर्मचारी के साथ 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 जो वहाँ के स्टाफ है, हेड है, वो क्या कर रहे हैं इसमें पूरी मैं जिम्मेदारी तय करती हूँ। इसमें पहले मैं वीडियो देख के जाँच करवा लेती हूँ। अच्छा अच्छा चलिए, मैं ABSA से इसकी जाँच करवाती हूँ,
फिर जो भी होगा उसमें दोषी कार्रवाई करेंगे। फोर्थ क्लास कर्मचारी की जिम्मेदारी स्कूल में क्या होती है? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी उसी की जिम्मेदारी है, ये स्कूल की साफ सफाई वगैरह ये सब जो भी काम है इस वहाँ के वो काम उसका है, तो ये चीज़ तो गलत है। मैं इस पर एक बार जाँच करवा के इसमें कार्रवाई करवाती हूँ।